फ्रेंड, आज मैं मिर्ची की अचार बताने जा रही हूँ। लाल मिर्ची की जो ठंडा में ये ज़्यादातर मिलती है, तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो मुझे देखिए, सबसे पहले ये सरसों, काली सरसों, और ये है अजवाइन, और ये हल्दी, ये है आमचूर, और ये लाल मिर्ची, और ये हींग थोड़ी मात्रा में हम देंगे, और ये सौंफ, और ये सब मिलाकर हम ये जो पंच ये मसाले को मिला के पाँच फोरन जो तैयार होती है वो हम ये बना लेंगे। उसके बाद ये तेल है सरसों के तेल, जो हम बाद में इसमें मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इस मिर्ची को कैसे काटना है और इसमें कैसे मसाला देना है, तो मैं ये वीडियो दिखाती हूँ। तो मिर्ची को ये जैसे लेंगे और इसके ये आगे भाग को काट के, देखिए इसमें की मिर्ची को हम किसी भी चम्मच या चाकू के हेल्प से लेकर हम इसे काट के, आगे वाली भाग को काट के, जैसे इसके आगे वाले जो ये भाग है हम काट के, और ये मिर्ची को इसके बीचे को हम निकाल देंगे। अब मैंने देखिए मिर्ची की बीजन निकाल लिए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसे सूखने के लिए धूप में दे देंगे, तो जिसके वजह से ये इसके जो पानी है ये सूख अच्छी तरह से सूख जाएंगे, जिससे हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। तो इसे हम 30 मिनट के लिए सूखने के लिए हम छोड़ देंगे धूप में। और ये जो मसाले हैं जो हमने मैंने बताए थे पंचफोरन जो मसाले बनाने हैं, तो इसे हम इसे पहले तवा में या कढ़ाई में गरम करके इसे भून लेंगे अच्छी तरह, उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो मैं इसे पहले भून लेती हूँ, उसके बाद इसे मिक्सी में पीसती हूँ। तो ये पूरी तरह से सूख गई है, इसमें का पानी या पूरी तरह से सूख गई है। तो अब हम इसमें अचार बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इसमें किस तरह मसाला हम मिक्स करेंगे तो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो बीजे मैंने निकाले थे मिर्ची के अंदर से, तो अब इसे मैंने धूपा में आधा घंटा छोड़ दिया था, तो अभी सूख गई इसमें के पानी, जिससे हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। तो मैं बताई थी जो हम मसाला जो पंचफोरन रखी थी, जो इसे भूज के ठंडा करके मिक्सी में मैंने इसे पीस लिया है, तो इसे हम इसमें ऐड करेंगे। एक किलो हम जो मिर्ची लिए हैं तो उसमें हमें 250 ग्राम मसाला हम लेंगे, और ये आमचूर है जो दो बड़े चम्मच मैंने लिए हैं, हल्दी है जो दो चम्मच बड़े चम्मच लिए हैं, ये अजवाइन है जिसे आप स्वाद अनुसार से आप अपना डाल सकती हैं, ज़्यादा आप ना डालें, और ये सौंफ है जिसे हम स्वाद के लिए ऊपर से हम डालेंगे। नमक है जो हम इसे आप अपने स्वाद अनुसार डालें, नमक आपको कम खाना है या ज़्यादा खाना है, लेकिन चाँद में थोड़ी ज़्यादा ही नमक रहती है, तो ये मैंने 5 चम्मच लिए हूँ। और ये तेल ली हूँ मैं जिसे आप मिक्स करने के लिए, ये तेल डालें, मिक्स जितने में हो जाए आप उतना तेल अपने अनुसार से डाल सकते हैं, क्योंकि फिर से अचार में मुझे ऊपर से तेल देनी पड़ेगी, इसलिए बस ये मिक्स करने भर ही अचार मुझे तेल डालनी है, और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
तेल में ये अच्छी तरह से, अगर कम लगेगी थोड़ी सी तो हमें थोड़ी और तेल देनी होगी। इसमें बिल्कुल हमें पानी का अंश नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारा अचार खराब हो। जितना हम तेल देंगे हमारा अचार उतनी अच्छी तरह से सुरक्षित रहेगी और बहुत दिनों तक ये चलती है। तो अब इसे अचार में हम किस तरह ऐड करेंगे मसाला, तो मैं अब वो आपको बताती हूँ। आप इस तरह इसे लेंगे और किसी भी आपके पास अगर चम्मच है तो आप इस तरह लेके, पहले हाथों से लेके आप इसे ऐसे डालें, उसके बाद इसे अच्छी तरह से इसे इसमें ऐड करें ताकि ये अच्छी तरह से अंदर चली जाए। देखिए पूरी अच्छी तरह से ऐड हो चुकी है, तो हम इसे इस तरह सारी मिर्ची को हम भर लेंगे। दोस्तों देखिए अब ये मसाला भर चुकी है, जिस तरह मैंने सारे मिर्ची में अब इसके मसाले भर दी हूँ, तो अब इसे शीशे के जार में अचार को मैं अब इसमें डाल दूँगी। कुछ दो तीन दिन इसे धूपा में मैं दिखा दूँगी, लेकिन कोशिश करें इसे शीशे के ही जार में रखने के लिए अचार को, क्योंकि इसमें अचार अच्छी तरह से पकती है और बहुत दिनों तक ये चलती है, ख़राब भी नहीं होती है। इसलिए शीशे के जार में ही अचार को रखें। इसे हम धीरे धीरे ये मैंने पूरी अच्छी तरह से जार में अचार को भरती हूँ और इसमें ऊपर से मैं सरसों के तेल को डालूंगी। आप इसे चाहे तो बहुत सारे लोग गर्म करके भी डालते हैं और या कच्चे तेल भी डाल सकते हैं, और तो मैं कच्चे ही तेल डालूंगी क्योंकि ये तो धूप में पक जाएगी तेल। तो ये 1 किलो मिर्ची है तो आप इसमें 100 ग्राम तेल डालें और दो दो दिन पे आप इसे थोड़े से जार को, शीशे के जार को ऊपर नीचे करके थोड़ा हिला दें जिसकी वजह से पके हुए अचार ऊपर आ जाए और ये नीचे चली जाए, जिससे अचार जो है मिक्स से होते रहेगी तो अच्छी तरह से पकेगी। तो इसे चारों तरफ से तेल को डालें अच्छी तरह से। दोस्तों अब ये अचार हमारा बिल्कुल रेडी है और इसे मैं धूपा में अब 2-3 दिन रखूंगी, बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। आप इसे खा सकते हैं रोटी परौठा लिट्टी में, बहुत स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों तब तक के लिए बाय।